इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले YouTube और इंटरनेट पर नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, मैं महंत आयुर्वेदा संस्थान की तरफ से महेंद्र बात कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे गुप्त रोगों की श्रेणी के बारे में। जी हां दोस्तों, गुप्त रोग कौन कौन से होते हैं, किस तरह होते हैं और इनके क्या निवारण हो सकते हैं और आज से पहले आप कौन सी दवाइयां खा चुके हैं, इनके बारे में मैं आपको शुरू से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। बस बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, इसलिए 5-7 मिनट का टाइम अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हम बात करेंगे जेनेरिक और ऑथेंटिक दवाइयों के बारे में और महंत आयुर्वेदा संस्थान आपको कौन सी दवाई अवेलेबल करवाता है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त रोगों की। दोस्तों गुप्त रोग कौन से होते हैं, गुप्त पाठ से जुड़े हुए रोगों को गुप्त रोग कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शीघ्र पतन, धातु रोग, शुक्राणु की कमी, छोटापन और 8 इंच तक आपका लिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों शीघ्र पतन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, धातु रोग की समस्या रहती है, शुक्राणु बिल्कुल नील हो चुके हैं, छोटापन हो चुका है, लिंग में सिकुड़ चुका है, 8 इंच से भी बहुत कम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। मैं एक एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, इसलिए हर टॉपिक पे आप नज़र बनाए रखना, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो आपके अंदर मौजूद है। आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऑलरेडी आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज से पहले आपने कौन कौन सी दवाई खाई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जेनेरिक और ऑथेंटिक दवाइयों के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑथेंटिक दवाई कौन सी होती है, ऑथेंटिक दवाई हमें जो अवेलेबल करवाता है वो करवाता है आयुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिक दवाई सिर्फ आयुर्वेद ही हमें अवेलेबल करवा सकता है। अगर करवाने को तो देखिए हमें होम्योपैथिक भी करवाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, हमें दवाइयों की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और एक आयुर्वेदिक है, 3 कैटेगरी आती है। अगर दोस्तों बात करें एलोपैथिक की, तो एलोपैथिक में भी ये मेडिसिन मिलती है, दोनों मेडिसिन मिलती है, लेकिन आप इनकी पहचान नहीं कर सकते और यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहते हैं कि मैंने बहुत सारी टेबलेट ले ली है, सेक्स से जुड़ी हुई टेबलेट ली है, बहुत सारी प्रॉब्लम की टेबलेट ली है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपका वही डाउट क्लियर करूँगा कि आपको सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि आज से पहले आपने माजून खाया है, कैप्सूल्स खाए हैं, ऑयल लगाया है, तो उनके पीछे का रीज़न ये है कि जो जेनेरिक दवाई होती है, जेनेरिक का अर्थ होता है नकली और बहुत ही सस्ती दवाइयाँ, और ऑथेंटिक दवाइयों का अर्थ होता है ओरिजिनल ब्रांड की दवाइयाँ और ओरिजिनल दवाई आपको मिलती है। देखिए दोस्तों, जेनेरिक दवाई कौन सी होती है और ऑथेंटिक कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करना आप। देखिए पहले बात करते हैं जेनेरिक की, तो अभी आप जेनेरिक टॉपिक पे ही ध्यान रखना अपना। देखिए मैं बताना चाहूँगा जेनेरिक दवाई कौन सी होती है। मान लीजिए आपके मार्केट में 20 रुपये RS प्रिंट का एक टेबलेट का पत्ता मिलता है, लेकिन जेनेरिक जो टेबलेट होती है वो 20 रुपये की अगर आपको मिलती है तो वो आगे से 2 रुपये में निकल के आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2 रुपये में पड़ जाती है आराम से, जो डीलरशिप होता है वो 2 रुपये तक निकाल देता है, और जो अपने मेडिकल होते हैं वहाँ पर 3 से 4 रुपये में आराम से आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसी को 20 रुपये में बेच देते हैं और उस पर अच्छा खासा मार्जिन कमा लेते हैं। और दोस्तों अब बात बताता हूँ आपको ऑथेंटिक दवाई कौन सी होती है। देखो दोस्तों, इन दोनों में आपको पता नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पता क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो, इसलिए आपको ऑथेंटिक और जेनेरिक के बारे में पता नहीं होता। कभी भी अगर लेते हैं तो बिल बनवा करके ही दवाई आप अवेलेबल करवाएं या फिर खरीदें। अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो जेनेरिक दवाई आपको मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑथेंटिक दवाई की, ऑथेंटिक दवाई कौन सी होती है। ऑथेंटिक दवाई का अर्थ होता है, मान लीजिए किसी जो टेबलेट का पत्ता है उस पर 20 रुपये प्रिंट है, तो उसमें होता क्या है, 20 रुपये अगर प्रिंट है तो उसमें देखो 20 रुपये अगर प्रिंट है तो आगे से जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कंपनी उसे निर्माण करती है, वह उसे आपको बना करके दे देती है लगभग 18 रुपये तक, उस पर सिर्फ 2 रुपये का मार्जिन रहता है, और वो जो जेनेरिक है वो सिर्फ 2 रुपये में पड़ जाती है, तो कितना फ़र्क है आपको पता है। तो जेनेरिक तो कोई फ़र्क करेगी नहीं, ऑथेंटिक दवाई फ़र्क करेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेनेरिक है, जो ऑथेंटिक दवाइयाँ हैं, वो आज आपको मिलने वाली है। अगर दोस्तों बात करें, देखो मैंने आपको समझाया है जेनेरिक ऑथेंटिक क्या होता है,
जेनेरिक का अर्थ बताया, 2 रुपये में टेबलेट का पत्ता पड़ जाता है, जो टेबलेट होती है उसका पूरा सेट पड़ जाता है, और ऑथेंटिक का 20 वाला 18 रुपये में पड़ता है। और यही आपके साथ होता है अगर आपने आज से पहले कोई भी दवाई मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई है, कैसे भी ली है, और ख़ास करके गुप्त रोगों के लिए ली है, तो देखो आप किसी को बता नहीं सकते ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको नकली दवाई अवेलेबल करवाते हैं। 100 रुपये की दवाई आपको 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार रुपये में देते हैं। अगर आप मेरा विश्वास करते हैं, मेरे संस्थान से जुड़ते हैं, तो आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये हमारे संस्थान का नाम है महंत आयुर्वेदा संस्थान, और मैं बात कर रहा हूँ गुप्त रोगों की, और बात करेंगे शीघ्र पतन, धातु रोग, शुक्राणु की कमी, छोटापन, 8 इंच क्या है। देखिए दोस्तों, शीघ्र पतन क्या है? बिस्तर पे जाना, जल्दी झड़ना, बीवी का सामना नहीं कर पाना, बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाना, शीघ्र पतन की समस्या होती है, और इसी समस्या को टाइमिंग की समस्या भी कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धातु रोग कौन सा होता है, और धातु रोग के सामने ये मैंने शुक्राणु क्यों लिख दिया, इसका कोई कॉमन रूप है क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों आपको धातु रोग है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है पेशाब के साथ, या फिर नाइट में, कभी भी नाइट में जो होता है उसे धातु रोग कहते हैं, लेकिन नाइट फूल कहते हैं जो नाइट में निकलता है। और इसे धातु रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातु की जो धातु है जो बनता है, हमारे वीर्य में धातु की मात्रा होती है, हमारे शरीर में धातु की मात्रा होती है, अगर वो निकल जाती है तो हमारा शरीर नहीं बन पाता है, शुक्राणु की कमी आ जाती है, शरीर बदन टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर धातु आपका बह गया है तो शुक्राणु की कमी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसके सामने ये टॉपिक लिखा है। अब बात करते हैं छोटापन क्या है और 8 इंच क्या है। अगर दोस्तों अगर आप इंडियन मर्द हैं, एक मर्द हैं, तो उसमें करना क्या है, आपका लिंग अगर 8 इंच से कम है तो आप औरत को सर्टिफाइड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, 1-2 ऐसी औरत होती है जो सर्टिफाइड हो जाती है, बाकी औरतें सर्टिफाइड नहीं हो पाती है 8 इंच से कम लिंग के अंदर। अगर आपको लिंग बढ़ाना है तो आप हमारे संस्थान के साथ जुड़कर अपने लिंग को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 2.5 महीने का, लेकिन 3 इंच तक, 4 इंच तक आपका लिंग बढ़ सकता है। देखिए ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन अगर 3 इंच तक भी आपका लिंग निकलता है तो बहुत अच्छा मानता हूँ। जिनका बहुत ही छोटा है, 2 से 4 इंच है, तो वो अपनी मदद करवा सकते हैं यहाँ से, अपने यहाँ से दवाई लेकर के अपना सब कुछ इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात हो गई 8 इंच का लिंग की, क्योंकि 8 इंच लिंग सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जेनेरिक और ऑथेंटिक की बात हो चुकी है, हम यहाँ जो आयुर्वेद में ऑथेंटिक दवाई अवेलेबल करवाते हैं, अगर आपको चाहिए तो। ऑथेंटिक का अर्थ है जो प्रिंटेड रेट है वो हम आपसे नहीं लेते, बाकी उसमें से 10-20-50 रुपये जो कम बनते हैं वो लेते हैं। लेकिन एक बात सटीक आपको मैं बता दूं कि ओरिजिनल दवाई का अर्थ ये है, ये आपको 15 दिन में रिजल्ट देगी, 10 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट नहीं देगी। मैं इसी बात को कंफर्म करने के लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ। 15 दिन में ये क्यों देगी? क्योंकि ये आयुर्वेदिक है भाई साहब, कोई स्टेरॉयड नहीं है कि आपको तुरंत असर दे देगी, तो ये ध्यान रखना। ये जेनेरिक ऑथेंटिक दवाई है, शीघ्र पतन, धातु रोग, शुक्राणु की कमी, छोटापन, और ये गुप्त रोग इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ये मेरी जो ऑथेंटिक दवाई है वो आपको कहाँ से मिल सकती है। अगर दोस्तों आपको कैसा भी 10 से 20 साल पुराना गुप्त रोग है, किसी भी प्रकार का गुप्त रोग है, तो आप घर बैठे वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके हमारा ये दवाई मंगवा सकते हैं और आराम से इसके फ़ायदे ले सकते हैं। कह सकता हूँ आपको थोड़ा लंबी चल सकती है मेरी दवाई, लगभग 2 महीने तक, लेकिन इलाज गारंटी के साथ होगा, बिल बना करके आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें आपको वर्चुअल नेचुरल फ़ायदे मिलेंगे, शरीर को नुकसान नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। ये ऑथेंटिक दवाई जो होती है शरीर को कवर करके चलती है, इसमें जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको आराम से अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। दोस्तों लिंग को लंबा मोटा करने के लिए एक ऑयल दिया जाता है, अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो वो ऑयल बिल्कुल ही मुफ्त है, हमारी तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, किसी प्रकार का एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। अगर आप वीडियो की स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इन दोनों प्रोडक्ट को मंगवाते हैं तो आपकी आराम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों हम क्या करते हैं, लगभग 12 से 20 जड़ी बूटियों को पीस करके आपको पाउडर अवेलेबल करवाते हैं, जिसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को आपको दूध के साथ खाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं लगातार 1.5 से 2 महीने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका टाइमिंग बढ़कर 20 मिनट तक हो जाएगा, धातु रोग परमानेंट खत्म हो जाएगा, लिंग भी बढ़ेगा, शुक्राणु की कमी भी दूर हो जाएगी।